हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कलाम को सलाम। गाइस, आज हम लेसन नंबर 2 जो जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड और जिसको लिखा है जेएल फ्यूम्स ने, उसके आज हम लॉन्ग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप यदि आप इस एक बार इस लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेते हैं, अच्छी तरह याद कर लेते हैं, तो आपको अलग से अलग अलग तरह के प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अलग अलग तरह के जो लघु प्रश्न आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप एक ही को याद कर लीजिए और इस लेसन से संबंधित आपके एग्जाम में, आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी सवाल आता है तो आप इसको लिख दीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आंसर है इसमें सभी प्रश्नों के उत्तरों को हमने समाहित कर दिया है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बार हमने जो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो पहले हमने द एन्चेंटेड पूल का जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया था उसमें हमने आपको क्वेश्चन को लिखकर दिखाया था ताकि आपको समझ में आए कि इन इन सवालों के जवाब इस पूरे आंसर में सम्मिलित है। बट इस बार की जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हमारा अ लेटर टू गॉड का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका जो, उसमें हमने कोई भी सवाल नहीं लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सवाल आता है इस लेसन से संबंधित, आपका कोई भी सवाल है तो आपको यही आंसर लिखना है। इसलिए सिर्फ मैंने इतना लिख दिया है कि लॉन्ग आंसर फॉर ऑल क्वेश्चन, कि सभी प्रश्नों के लिए एक ही आंसर है आपका ये, ठीक है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई ऐसे लिखते हैं तो उसकी शुरुआत आप इंट्रोडक्शन से ही कीजिए। ओके, चलिए हम भी वही करते हैं। पहला जो आपका हेडिंग है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपको सबको पता है कि इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कि प्रस्तावना कह देते हैं, जीवन परिचय बोल देते हैं, राइट। दिस लेसन, यह पार्ट, अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के नाम, यानी कि भगवान के प्रति एक पत्र, हैज बीन रिटन बाय जीएल फ्यूम्स, जिसको जीएल फ्यूम्स ने लिखा है। इन दिस लेसन, इस पार्ट में वी सी, हम देखते हैं लेंचो को, हु वाज अ पुअर फार्मर, जो एक गरीब किसान है, लिव्ड, जो रहता है, इन अ लोनली हाउस, एक अकेले घर में, विच वाज सिचुएटेड का मतलब स्थित, जो स्थित था, ऑन द क्रेस्ट होती है चोटी, ओवर लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी। यानी कि इस कहानी में हम लेंचो को देखते हैं जो एक गरीब किसान है, जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर एक छोटे से गांव में एक अकेले घर में रहता है। लोनली का मतलब अकेला, हाउस घर, राइट। His only means of livelihood was farming. His only means of livelihood. Means of livelihood यानी कि जीने का साधन, उसके जीने का एकमात्र साधन क्या था? Was farming, खेती था। There are some points are given below. There are some points, कुछ points है, कुछ बिंदु है, are given below, जो नीचे दिए गए। अब देखिए, जो हमने अगला हेडिंग बनाया उसको हमने बनाया होपफुल मैन। अब मान लीजिए आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि आपको करेक्टर के बारे में, लेंचो के करेक्टर के बारे में बताना है, तो आप इंट्रोडक्शन के साथ होपफुल मैन को फिट कर सकते हो, क्योंकि ये उसकी होपफुल मैन है, ये हेडिंग उस पर बिल्कुल सूट करेगा, राइट। तो होपफुल मैन में आपको पता है होपफुल बहुत अच्छा वर्ड है, आपको पता है होपफुल का मतलब जो आशा करने वाला, जिसको बहुत उम्मीद होती है, आशा होती है, तो आशावादी व्यक्ति आप होपफुल मैन को कह सकते हैं। देखिए, लेंचो वाज अ हार्ड वर्कर, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, एंड होपफुल मैन, और एक आशावादी व्यक्ति था। ही हैड एन ऑक्स, उसके पास एक बैल था, इट वर्क्स, यह काम करता है, इन द फील्ड, खेतों में, लाइक द एनिमल, पशुओं की तरह, द हेल स्टॉर्म, ओलो ने हैड डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिए थे, अवे हिज फील्ड्स कंप्लीटली, ओलो ने उसके खेतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, बट ही डिड नॉट लिव होप, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, लिव होप। गाइज, आप यहाँ पे LIVE ही है, आप इसको प्लीज सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पर LEAVE, लीव, ही डिड नॉट लिव होप, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, लीव का मतलब छोड़ना, उसने उम्मीद, आशा नहीं छोड़ी, ही न्यू दैट गॉड विल हेल्प मी, कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, राइट। तो होपफुल मैन में हमने क्या सीखा कि लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला और आशावादी व्यक्ति था, उसके पास एक बैल था जो खेतों में पशुओं की तरह काम करता था, ओलो ने उसकी खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, वह जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। नेक्स्ट स्टडी, डिस्ट्रॉय द फील्ड्स, डिस्ट्रॉय आप बार बार पढ़ चुके हो, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, द फील्ड्स, खेतों का बर्बाद हो जाना, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, टू सी द स्काई, आकाश को देखकर, इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व में वो आकाश को देख रहा था, उसकी जो दिशा थी देखने की वो उत्तर पूर्व थी, उधर की तरफ ने आकाश में देखा,
एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड उम्मीद की अपेक्षा की रेन बारिश की. नाउ हिज फील्ड्स विल गेट वाटर की अब उसके खेतों को पानी मिलेगा. यानी कि क्या कहना जा रहा है इसमें, क्या बताया जा रहा है कि जो लेंचो था बहुत खुश था. क्यों खुश था? उसने जब आकाश में जो उत्तर पूर्व की तरफ उसने दिशा को देखा और बहुत खुश था यह देखकर क्योंकि अब उसके खेतों को पानी मिलेगा. बट सून लेकिन जल्दी ही ही बिकेम वेरी सैड वह बहुत दुखी हो गया. सीइंग द हेल स्टॉर्म इन द फील्ड्स, सीइंग द हेल स्टॉर्म ओलों को देखकर इन द फील्ड्स खेतों में, यानी कि जल्दी ही वह खेतों में ओलों को देखकर बहुत दुखी हो गया. द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स. देखो क्रॉप्स का मतलब भी फसल ही होता है. ओलों ने उसके खेतों के क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया. टू राइट अ लेटर एक पत्र लिखना, ही रोट अ लेटर उसने एक पत्र लिखा. टू गॉड भगवान को, टू सेंड हिम किया उसको भेजे जाए 100 पैसों 100 पैसों. बट ही गॉट ओनली 70 पैसों लेकिन उसको केवल 70 पैसे प्राप्त हुए. ही थॉट दैट वह सोचता था दैट सेवन थर्ट सॉरी He thought, उसने सोचा दैट कि 30 पैसों वर स्टोलन चुरा लिए गए थे बाय द पोस्टल एम्प्लॉयज डाक कर्मचारी के द्वारा. सो ही कॉल्ड देम इसलिए उसने उनको बुलाया अ बंच ऑफ क्रूक्स डाकुओं का समूह कहकर. यानी कि लाइन का पूरी लाइनों का अर्थ किया, लेंचो ने एक पत्र लिखा भगवान को कि 100 पैसे भेज दिए जाए लेकिन उसको केवल 70 पैसों ही प्राप्त हुए. उसने सोचा कि जो 30 पैसे हुए वो डाक कर्मचारियों ने चुरा ली इसलिए उसने डाक कर्मचारी को डाकुओं का समूह कहकर बुलाया. राइट और लास्ट हम देखते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष. दस इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं दैट की लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर. लेंचो एक गरीब किसान था बट अ होपफुल मैन लेकिन एक आशावादी व्यक्ति था. इन दिस लेसन इस लेसन में इस पार्ट में ही ब्लेम्स का मतलब आरोप लगाता है. वह आरोपित करता है आरोप लगाता है ऑल द पोस्टल एम्प्लॉयज सभी डाक कर्मचारियों पर विच वॉज एंटायरली रॉन्ग जो पूरी तरह से गलत. गाइस देखो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए लोग क्वेश्चन को तैयार किया. आप एक दो बार इसको देखिए पढ़िए और बार बार नोटबुक में लिख कर देखिए तो मैं आपको आई गारंटी यू कि आप बिल्कुल भी इस लेसन से संबंधित कोई लोग क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छी तरह कर पाओगे. ओके गाइस आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए क्यों आप लोगों का सपोर्ट ही हमें एनकरेज करेगा हमारा मनोबल बढ़ाएगा ताकि हम और अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहे. ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को और कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा. ओके सी यू.